हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी बहुत ही सुंदर ब्लाउज बैक नेट डिजाइन कैसे बनाए। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकॉन का बटन दबाइए जिससे आपको मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। देखिए, मैंने ब्लाउज कट कर लिया है, ये हम बिना लाइनिंग का बना रहे हैं। आप लाइनिंग का बनाओ, सेव डाफ के लाइनिंग भी कट कर लीजिए। और देखिए, हमने गोल्डन कलर की लेस ली है। देखिए, ब्लाउज की जो लंबाई ली हमने 15 इंच ली है, तैयार में 13.5 इंच आएगी। देखिए, ये हम 32 साइज का बना रहे हैं, तो टोटल फोल्ड में 8 इंच ले लिया है और 2 इंच हमारा मार्जिन है इसमें। शोल्डर 6 इंच लिए, मुंडे में 6 इंच लिए और इसमें 1.5 इंच की गुड़ाई दी है। शोल्डर से हम 3 इंच में निशान लगाएंगे और जो इसकी लंबाई लेंगे वो हम 11 इंच लेंगे। देखिए इस तरह, और इसमें गुलाई देंगे हम। सेम ड्रॉपिस हम कट करेंगे। देखिए, इस तरह में कट कर लिया है। देखिए, इसके लिए मैंने कैनवास और नेक पट्टी कट की है। नेक पट्टी चौड़ाई में 1.5 इंच ली है और कैनवास की चौड़ाई में 1 इंच ली है। और देखिए, हमने डबल फोल्ड किया है कपड़ा, और जो हमारा ब्लाउज है इसे हम इस तरह रखेंगे इसको। तो देखिए, यहां से इसमें हम इस तरह गुलाई देंगे, इसकी चौड़ाई हम 1.5 इंच लेंगे। बीच में से भी कट कर लेंगे और हमें 1-1 इंच एक्स्ट्रा लिया दोनों साइड। देखिए, हमें कैनवास भी कट कर लिया सेम टॉफर के, और देखिए हमें नीचे की लाइनिंग भी कट कर लिया सेम टॉफर के इस तरह से। देखिए, और देखिए ये हमें 2.5 इंच चौड़ी पट्टी कट की है दो इस तरह। देखिए, इस तरह मैंने नेक पट्टी तैयार कर लिया। देखिए, नीचे मैंने लाइनिंग भी रख लिया, कपड़ा भी रख लिया और कैनवास भी रख ली। देखिए, इसके ऊपर और फूल हम सिलाई लगाएंगे। देखिए, इस तरह मैंने फूल में सिलाई लगा दी और यहां से हमने खुला छोड़ा है, यहां से हम इस तरह पलटेंगे इसे। देखिए, इस तरह इसी तरह मैंने दूसरा भी निकाल लिया और इसके ऊपर हम लेस लगाएंगे। देखिए, जो मैं पट्टी कट की थी इस तरह हम 1/2 इंच यहाँ फोल्ड करेंगे, 1/2 इंच यहाँ पे, और स्ट्रेट सिलाई लगा देंगे। देखिए, इस तरह मैंने दोनों पट्टी तैयार कर लिए। देखिए, नीचे में ब्लाउज इधर रखा है और जो मैं नेक पट्टी तैयार की थी इस तरह इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे पूरे में। देखिए, इस तरह सिलाई लगा दी, इस तरह हम अंदर फोल्ड कर देंगे इसे और इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा। देखिए, इस तरह मैंने नेक तैयार कर लिया और नीचे फिनिशिंग देंगे हम। नीचे मैंने फिनिशिंग दे दी। देखिए, इसके ऊपर हम लेस लगाएंगे इस तरह। देखिए, इस तरह मैंने दोनों में लेस लगा दिए। अब देखिए, ब्लाउज में अटैच करेंगे
इस तरह। देखिए ये हमारा बीच का सेंटर पार्ट है, यहाँ से हमने एक इंच का गैप लिया है, इस तरह पिन से सेट कर लेंगे। देखिए इस तरह मैंने दोनों पिन लगा दिए, इसी तरह मैं यहाँ पे भी एक इंच का गैप दूंगी और इस तरह यहाँ पे पिन से सेट करेंगे। देखिए नीचे में दोनों साइड पिन लगा लिए और जो मैं पट्टी तैयार की थी इस तरह, यहां से हम 2 इंच का गैप लेंगे, पिन से सेट कर लेंगे। सेम इस तरह दूसरी साइड भी। देखिए हमने दोनों साइड पिन से सेट कर लिए और ये गोल्डन कलर की लेस लिए, इस तरह पूरे नेक पे लगाएंगे हम। देखिए इस तरह मैंने पूरे में लेस लगा दी और जो मेरी पट्टी तैयार की थी इस तरह हम बीच में लगाएंगे। पट्टी लगा दी और देखिए हमने ये 4 फोल्डिंग धागा लिया है, इस तरह हम बीच में गांठ लगा देंगे। इसी तरह मैं ऊपर भी गांठ लगा लेती हूँ। देखिए इस तरह हमने ऊपर गांठ लगा दी, तो देख सकते हैं हमारा पूरा ब्लाउज रेडी हो गया है। जब मैं फिनिशिंग दे दी तो पूरे नेक में मैं लेस लगा दी, बीच में लेस लगा दी और देखिए मैं 2 बटन लगा के रेडीमेड गोल्डन कलर के, देख सकते हैं कितना सुंदर लगा हमारे ब्लाउज को। इस आसान तरीके से आप सुंदर सा ब्लाउज बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना।